मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। सरकार का दावा है कि ये कर्फ्यू का असर है। 24 घंटे में प्रदेश में 5,921 नए केस सामने आए हैं। 46 दिनों में यह सबसे कम है। प्रदेश में एक्टिव केस घटकर 88,983 हो गए हैं। इसमें से 29,950 गाँव में मिले हैं, जो कुल एक्टिव केस का 34% है। पॉजिटिविटी रेट घटकर 9% पर आ गया है। इसके बीच प्रदेश में ब्लैक फंगस बड़े खतरे के रूप में आ रहा है। अब तक 281 मरीज मिल चुके हैं, 27 की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से अब तक 7,070 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर, भोपाल व ग्वालियर में 8-8 और जबलपुर में 5 मरीजों की मौत हुई है। इंदौर में सबसे ज़्यादा 1,307 नए संक्रमित मिले हैं। भोपाल में 697 नए मरीज मिले हैं, यह 40 दिन में सबसे कम है। जबलपुर में 421 व ग्वालियर में 201 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 15 जिलों में 50 से कम नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 64,741 सैंपल में कोरोना जांच की गई। वहीं सक्रिय मरीजों के मामले में भी कमी आ रही है। सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य विभाग को जांच करनी थी। कागजों में सब ठीक है, हकीकत इससे जुदा है। भिंड जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित गिंथरी गांव में पिछले एक महीने से बुखार फैला है। घर घर में बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी के मरीज हैं। इस गांव में 80% लोगों को इस तरह के लक्षण थे, जो कि कोविड से मिलते हैं। फिर भी किसी ने जाँच के लिए गाँव में स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आई। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से गांव के लोग सर्दी, जुकाम व खांसी, बुखार आदि की सामान्य दवा मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी दवा देने के लिए गांव नहीं पहुंचा। गांव के रामू पटेल का कहना था कि गांव में बीमारी फैली होने के बाद भी कोई जांच शुरू नहीं हुई, सभी अपने स्तर पर इलाज लिया। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक और कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह जिला हरदा में 5 किसान जलदान कर रहे हैं। नहर में 15 मई से पानी आना बंद हो गया है। आसपास के गांवों की मूंग की फसल को पानी की सख्त ज़रूरत है। जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए अन्य साधन नहीं थे, उन्हें परेशानी होने लगी। कुछ किसानों की फसल सूखने लगी तो 5 किसान आगे आए। उन्होंने अपने तालाब और ट्यूबवेल से नहर में पानी देने लगे। इससे 1.5 से 2 किलोमीटर एरिया की सिंचाई हो सकेगी। 60 से 70 एकड़ की सिंचाई हो रही है। सोनखेड़ी गांव के किसान मुकेश पूनिया अपने 1 एकड़ के तालाब का पूरा पानी नहर में छोड़ दिया है। उनके चारों मामा ने भी उनकी पहल को आगे बढ़ाते हुए अपनी निजी ट्यूबवेल चालू कर पानी नहर में लगातार छोड़ रहे हैं। इस पहल की जिले भर में सराहना की जा रही है। इससे पहले यह अन्य किसानों से भी जुड़ने की पहल की है। मध्य प्रदेश में 18 से 44 साल तक के लोगों को कोरोना का टीका लगाने का अभियान 17 मई से शुरू हुआ। सरकार ने 31 मई तक 9.1 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का टारगेट रखा है। पिछले 10 दिनों में इस आयु वर्ग के 1,82,377 लोगों को ही पहला डोज लगा पाया है, जबकि टारगेट 1,88,000 डोज लगाने का था। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 18 प्लस लोगों का 17 से 31 मई के बीच 9 दिन वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए हर दिन करीब 1,000 से 1,100 सेशन होंगे। पहले दिन 90,000 लोगों को टीका लगाने का टारगेट है। इसके लिए प्रदेश के हर जिले में 900 सेशन किए जा रहे हैं। इससे पहले 5 से 15 मई तक 1,480 सेशन हुए थे। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष की उम्र तक के सभी लोगों के टीके लगाने के लिए कोविशील्ड के 1.76 करोड़ और कोवैक्सीन के 92.25 लाख डोज के ऑर्डर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में चिरायू अस्पताल ने कोविड मरीजों को आयुष्मान कार्ड से मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया है। अस्पताल में भर्ती मरीज का बेटा अस्पताल के मैनेजर से आयुष्मान कार्ड से मरीज का इलाज करने की बात कह रहा है। इसमें अस्पताल का मैनेजर गौरव बजाज जवाब दे रहे हैं कि अस्पताल के मालिक डॉक्टर अजय गोयनका के अनुसार उन्होंने तय किया है कि आयुष्मान कार्ड कोविड मरीजों के इलाज के लिए मान्य नहीं होगा। हम आयुष्मान कार्ड को स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही पीड़ित के कारण पूछने पर मैनेजर कहता है कि हम इसका जवाब आपको देने के लिए बाध्य नहीं हैं। वीडियो बंद करो और बाहर जाओ।
बाद में गार्ड से बाहर फेंकने के लिए कहता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने चिरायू अस्पताल प्रबंधन को नोटिस देकर 3 दिन में जवाब मांगा है। रात के अंधेरे में बरई पनिहार के गांव में अचानक रियलिटी चेक करने पहुंच गए ऊर्जा मंत्री। इसके बाद गांव में पॉजिटिव और उनकी निगरानी की सच्चाई का पता चला। यहां उन्हें एक घर के बाहर एक युवक खड़ा दिखाई दिया। पता लगा वह संक्रमित है। ऊर्जा मंत्री पहले नाराज हुए पर बाद में उनसे हाथ जोड़कर कहा, सबकी जान को खतरे में न डालो भाई, खुद को अलग ही रखो। इसके साथ ही गाँव में कुछ संक्रमितों ने खुद को छत पर ही आइसोलेशन में रखा था। उन्होंने छत से ही बात की। यहाँ पता लगा कि स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस ही नहीं है। यहाँ कोई संक्रमित की हालत बिगड़ने पर शहर से एम्बुलेंस मंगाने पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। एम्बुलेंस के अभाव में घंटों मरीज तड़पते रहते हैं। साथ ही एक खुलासा और हुआ कि गांव के युवाओं के ग्रुप में वैक्सीनेशन ही नहीं शुरू हुआ है। साथ ही राशन बट रहा है या नहीं यह भी पता चला। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कोरोना संक्रमण रोकने का अजीब दावा किया है। उन्होंने कहा कि गौमूत्र पीने से कोरोना का संक्रमण नहीं होता है। वे खुद प्रतिदिन गौमूत्र का अर्क लेती हैं, इसी कारण अब तक इस संक्रमण से बची रही हैं और आगे भी उन्हें इसी का उपयोग करने से कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। यह बात प्रज्ञा ने भोपाल के संत नगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने 1 करोड़ पौधे लगाने का भी संकल्प लिया है। हालांकि उनके इस तरह के गौमूत्र का बखान करने को लेकर लोगों ने उन पर निशाना भी साधा है। इस संबंध में विशेषज्ञों का कहना है कि गौमूत्र पीने के कई फायदे हैं, लेकिन इसे सीधे नहीं पिया जा सकता, इसे प्रोसेस करना होता है। सांसद ने कहा कि देसी गाय के गौमूत्र अर्क अगर हम लेते हैं तो हमारे फेफड़ों का संक्रमण खत्म होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ लेकिन प्रतिदिन गौमूत्र अर्क लेती हूँ, इसलिए अभी मुझे कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही। इनके लिए लोग ऑनलाइन स्लॉट बुक करने में परेशान हो रहे हैं। जानकारी जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तक पहुंची तो वे खुद इसकी सच्चाई पता लगाने में जुट गए। टीकाकरण अधिकारी ने देर रात cowin.gov.in साइट खोलकर देखी तो पता चला महज कुछ ही सेकंड में स्लॉट बुक हो गए। उन्होंने कलेक्टर मनीष सिंह को इसकी जानकारी देकर साइबर पुलिस से मामले की जांच करवाने का सुझाव दिया। मामला गंभीर होने पर कलेक्टर ने तत्काल DIG इंदौर से चर्चा की। इस संबंध में पुलिस की साइबर सेल जांच कर रही है, जल्द ही समस्या दूर होगी। दरअसल जब 18+ से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हुआ तभी से युवा वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक कराने के जद्दोजहद में जुटे हैं। डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि लगातार यह शिकायतें मिल रही हैं कि 18 से 44 साल के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग करवाना होता है, लेकिन साइट खुलते ही मात्र 15 मिनट में सभी स्लॉट बुक हो जाते हैं, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं और कई युवा स्लॉट बुकिंग करने से वंचित हो रहे हैं। डॉक्टर जड़िया ने बताया कि 5 मई जब से 18 से 44 वर्ष के नागरिकों को वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया गया है तब से ही यह दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसके पीछे मुझे आशंका है कि कोई वेबसाइट को हैक कर रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इसके पूर्व भी जिला स्वास्थ्य विभाग ने वेबसाइट को रात को 3 बजे भी खुलवाया, तब भी 15 मिनट में ही सारे स्लॉट बुक हो गए थे। ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस की बीमारी में जान बचाने वाले एम्फोसिटरिन बी इंजेक्शन को लेकर मारामारी मची हुई है। इस बीच शासन के हस्तक्षेप के बाद 100 इंजेक्शन स्थानीय स्टॉकिस्ट से MGM मेडिकल कॉलेज को मिले। इसके अलावा भोपाल से भी 500 इंजेक्शन की एक खेप जल्दी मिलने वाली है। डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने इसकी पुष्टि की है। जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि कुछ इंजेक्शन का इंतजाम हुआ है, सोमवार को भी कुछ दवाइयां मिलने वाली हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों को सभी दवाइयां उपलब्ध हो, दवा की कमी से किसी की जान ना जाए। उधर निजी अस्पतालों में भी बड़ी तादाद में मरीज भर्ती हैं, लेकिन उनके पास भी एंटी फंगल इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। अमूमन सभी अस्पतालों में मरीजों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। म्यूकर माइकोसिस के मरीजों में आंखों की समस्या के मरीजों की संख्या ज़्यादा है। हालांकि सोमवार को विदेश से कुछ एंटी फंगल कैप्सूल मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। मध्य
प्रदेश में अरब सागर में उठे तूफान ताऊ ते का असर दूसरे दिन भी दिखा। तूफान के कारण प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज हवा के साथ बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने तूफान के कारण तेज हवा गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इंदौर में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी भी हुई। मौसम वैज्ञानिक पी के अरब सागर में बने चक्रवातीय तूफान से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश तक टर्न लाइन बनी हुई है, इससे नमी प्रदेश में आ रही है। इससे बादल छाए रहेंगे। प्रदेश के अधिकतर जिले में गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश दर्ज की गई है। तूफान के कारण तेज हवा चलने के साथ गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इसके कारण तापमान में भी मामूली गिरावट आई है। यह स्थिति 19 मई तक रहने का अनुमान है। इसके बाद 20 मई से मौसम साफ होने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू होगा।